तो आपको बता दें कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसको लेकर चुनाव आयोग, आपको बता दें चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर कि लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा। और अब इस वक्त जो बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर हरी झंडी दे दी गई है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने जानकारी दी है कि कल यानी कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ सुमित लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, जैसी कि जानकारी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया गया है कि 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल आकाश, जिस चीज को लेकर के तमाम पूरे देश भर के जितनी भी जनता है, जितने भी लोग है, जितने भी नेतागण है, उन सबकी टिकी हुई थी कि लोकसभा का यानी कि जनरल इलेक्शन को लेकर के जो डेट्स को लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई थी, उसके उसका ऐलान कब होगा। आज अभी से थोड़ी देर पहले, लगभग 15 से 20 मिनट पहले, इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि कल यानी कि 16 मार्च को दोपहर के 3 बजे तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि जनरल इलेक्शन को लेकर के जो शंखनाद होना था उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो बिगुल बजना था वो बज चुका है और कल वो डेट सामने आ जाएंगी कि कब होने वाला है जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन। हालांकि आपको बता दूं कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं कि लगभग 6 से 7 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी 2019 का जब ये चुनाव हुआ था तब 11 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक लोकसभा चुनाव हुए थे और 8 चरणों में ये चुनाव किया गया था। तो उसी को देखते हुए, उसी पैटर्न को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो 2024 का भी जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन होने वाला है वो भी लगभग 6 से 7 चरणों में होगा और कल जो है 16 मार्च को दोपहर के 3 बजे वो डेट जो है वो फाइनल हो जाएंगे कि कब से कब तक लेकर के ये जो चुनाव है वो संपन्न किया जाएगा। आकाश, सुमित, अगर बात करें जैसे कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद समाचार प्लस के दर्शकों को बताएं? देखिए आकाश, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो सबसे पहले पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, यानी कि किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार जो है, जो चुनावी भोंपू होता है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। किसी तरीके के प्रचार प्रसार नहीं होंगे, रैली प्रदर्शन नहीं होगा, कोई भी किसी तरीके का चुनावी रैली नहीं होगा, तो इन सारी चीजों पे जरूर अंकुश लग जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक चीज भी है, क्योंकि जिस इलेक्शन को लेकर के पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, जो अब अगला प्रधानमंत्री होगा उस चीज को लेकर के जो चुनाव होता है, तो लोकसभा इलेक्शन उस मायने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है। और कल दोपहर के 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी तारीख होती है और कितने चरणों में किया जाता है और उस पर झारखंड का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि झारखंड में भी लोकसभा की लगभग 14 सीटें हैं, जिसमें से अगर हम बात करें कि जो पार्टियों की बात करें तो बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें 11 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी थी और अभी 3 सीटें बाकी हैं। वही अगर हम बात करें तो जेएमएम को लेकर के अभी भी माथापच्ची चल रही है कि वो किन उम्मीदवारों को लोकसभा में उतारेगा, सीट की सीट को हासिल करने के लिए उनको रण क्षेत्र में उतारेगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी सियासी उठापटक लगातार जारी और कल इन सारी सियासत की जो भी उठापटक है, जो सरगर्मियां बढ़ रही हैं, उन पे भी कल ना कहीं विराम लग जाएगा और अब जाकर के जो उम्मीदवारी है वो स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। और जनता से भी यही अपील होगी कि इस चीज को, इस महापर्व को, इस लोकतंत्र के महापर्व को आगे बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लें। और समाचार प्लस भी अपील करता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ेगा, उतने ज्यादा से ज्यादा जो मजबूत कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा। सुमित, अगर हम बात करें झारखंड की, तो कल यानी 16 मार्च को झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जो ये जो बैठक होती है कभी भी मंत्रिमंडल की, तो अमूमन होता है कि शाम के वक्त ही ये बैठक होती है और जिस तरीके से ईसीआई ने ये जानकारी दी है कि 3 बजे के वक्त ये तारीखों का ऐलान होगा, तो क्या इस तारीखों का ऐलान और ये झारखंड कैबिनेट की बैठक कुछ असर देखने को मिलेगा इस बैठक में? देखिए, बैठक को लेकर के, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे का ये जो वक्त तय किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा,
कि कल डेट्स का ऐलान किया जाएगा, तो उसको लेकर के हो सकता है कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक होनी है, झारखंड कैबिनेट की जो बैठक होनी है, उसमें कुछ फेरबदल जरूर हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे अहम मुद्दे थे जो कल के मंत्रिपरिषद की जो बैठक होने वाली थी उसमें डिस्कस होते और उनपे मुहर भी लगती। लेकिन अब चूंकि कल 3 बजे के बाद से क्या कुछ माहौल बनेगा, क्या कुछ डेट सामने निकल करके आते हैं, झारखंड में किस चरण में यहाँ पे चुनाव होने वाला है, उन सभी चीजों को लेकर के आगे की जो प्रोसीडिंग होगी उसमें फेरबदल जरूर किया जा सकता है। आकाश जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह पोस्ट किया है कि 16 मार्च को लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, और समय जो ईसीआई ने बताया है वो दोपहर के 3 बजे का बताया है कि दोपहर के 3 बजे इन तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जैसा कि अभी सुमित ने, हमारे सहयोगी सुमित ने बताया कि कई चरणों में ये लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में फिलहाल यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पर 2-3 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराया जा सकता है।